लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर टू इट्स इज फाइन पी जीरो पी वन एंड पी टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनमल्स हमें पोलिनल दिए हुए हैं और हमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं वेरिएबल्स की ताकि हम उसको सब्सिड्यूट करके और वैल्यू निकाल सकें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है पी जीरो पी जीरो का मतलब क्या हुआ कि वाई ज़ीरो है तो ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन अब फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म ज़ीरो लास्ट टर्म वन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पी वन वन का मतलब क्या हुआ वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अब माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया और हमें वन आंसर मिल गया अब हमें प्लेस करना है टू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अब यहाँ पे क्या हुआ टू का स्क्वायर मतलब क्या हुआ फोर फोर माइनस टू प्लस वन फोर माइनस टू कितना हो गया टू प्लस वन टू प्लस वन कितना हो गया आपका थ्री तो ऐसे सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी है हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है जीरो वन और टू पे तो ज़ीरो क्या हो गया आपका टू प्लस ज़ीरो टी की जगह टू आ जाए जारो आ जाएगा टू इंटू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो क्यूब और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन गई तीन टर्म लास्ट वाली तो ज़ीरो हो गई क्योंकि ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो तो पी ज़ीरो आपका कितना हो गया पी वन पी वन निकाल के देखते हैं टू प्लस वन प्लस टू और वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब यहाँ पे आपका कितना हो गया टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन वन से वन कैंसिल और आपको क्या मिल गया आंसर फोर अब यहाँ पे लास्ट टर्म हम निकाल के देख लेते हैं लास्ट टर्म आपकी है पी टू पी टू क्या हो जाएगा आपका हमें प्लेस करना है इसी पॉली में तो इट विल बी टू प्लस टू प्लस टू और टू का स्क्वायर लास्ट में टू का क्यूब ये हो गया आपका टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर इट इज़ फोर इंटू टू एट लास्ट में टू का क्यूब है वो भी एट हो जाएगा तो एट से एट कैंसिल हो गया आपको क्या मिल गया फोर आस आंसर अब इसी तरह हमें थर्ड पार्ट करना है जहाँ पे हमारी वैल्यू है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आप बताओगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है थर्ड वाला तो बहुत आसान है वो आप कर लोगे तो आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एक्स की वैल्यू अब हमें क्या रखनी है जीरो सबसे पहले तो ज़ीरो माइनस वन जीरो प्लस वन तो ये फर्स्ट टर्म कितनी होगी माइनस वन सेकेंड टर्म कितनी हो गई प्लस वन वन इंटू वन इट इज़ वन और एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस वन हो जाएगा p1 x की जगह 1 1 माइनस वन वन प्लस वन वन माइनस वन इज़ ज़ीरो वन प्लस वन इज़ टू ज़ीरो इंटू टू कितना हो गया ज़ीरो थर्ड टर्म निकालनी है तो हमें क्या प्लेस करना है पी टू एक्स की जगह टू तो टू माइनस वन और नेक्स्ट हो जाएगा आपका टू प्लस वन टू माइनस वन कितना हो गया वन टू प्लस वन कितना हो गया थ्री तो योर आंसर कितना है इस थ्री सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर टू दिस इज द फोर्थ पार्ट माइनस वन जीरो थ्री और थर्ड पार्ट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर